भोसरी के भाजपा विधायक महेश लांडगे और शिवांजलि सखी मंच के माध्यम से भोसरी परिसर में इंद्रायणी थड़ी यात्रा का आयोजन किया गया है। यह मेला गांव जत्रा मैदान भोसरी में 30 जनवरी से 2 फरवरी कुल 4 दिन सुबह 10 से शाम 10 बजे तक आम हो या खास सबके लिए सेवा में तत्पर रहेगा। इस वर्ष इस मेले की विशेषता यह है कि महाराष्ट्र और परप्रांतीय खाद्य पदार्थों के बीच स्वाद को लेकर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। परप्रांतीय खाद्य पदार्थों के स्वाद का जलवा चखने को मिलेगा। साथ ही इस बार यात्रा में भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है और साथ ही फूलेवाड़ा भी बनाया गया है। इस इंद्रायणी थड़ी का निर्माण किया है, इसमें 800 स्टॉल है। इस इंद्रायणी नदी की जो गेट है, प्रवेश द्वार है, उसको हमने महात्मा फुले वाड़ा नाम दिया है, जिसकी एंट्रेंस में 2 शिल्प होंगे, जिसमें महात्मा फुले जी का होगा और आदरणीय सावित्री जी का होगा। तो इन दोनों का स्टैचू जो हर किसी को प्रेरणादायी है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, तो हमने वो थीम वहाँ पे रखी है। और उसके बाजू में जिन जिन महिलाओं ने इतिहास रचा है अपने कार्य से, उन हर महिला का वहाँ पे सम्मान है, सम्मान के लिए उनका स्टैचू वहाँ के शिल्प रखा है, जिसकी प्रेरणा लेके यहाँ से जो भी जाए उनकी प्रेरणा लेके जाए। यहाँ पे 800 बचतगढ़ को 800 स्टॉल है, इसके अंदर उनकी सिक्योरिटी के लिए CCTV है, वॉलेंटियर्स है, हमारे खुद के गार्ड्स है। उसके बाद यहाँ पे कोई जो परंपरा जो हमारी महाराष्ट्र की है जो अभी कम होती जा रही है, तो वो आगे चले, वो परंपरा आगे चले, वो संस्कृति आगे चले, उसके लिए कुछ प्रोग्राम है। ऐसे बहुत प्रोग्राम है जिसकी वजह से इंद्रायणी थड़ी में हर किसी को फायदा हो सकता है। VSRS न्यूज़ भोसरी पुणे।